हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लर्न इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। हम सीख रहे हैं अंग्रेजी स्टेप बाय स्टेप, हर रोज़ कुछ नया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला वर्ड आई वाना। वाना, द वर्ड वाना इज इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, इट इज इक्विवेलेंट टू वांट टू। आप समझ गए होंगे, ये ग्रामेटिक में, अगर ग्रामर में देखा जाए तो वाना बिल्कुल गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा बोला जाता है। यह वांट टू के समकक्ष है या बराबर है, यानी जब आपका सेंस आए कि मैं वांट टू, मैं करना चाहता हूं, उसके लिए हम वाना का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हियर आर सम एग्जांपल, यू कैन सी, आई वाना रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वाना फाइंड अ जॉब, मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। आई वाना ऑर्डर सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वाना मैरी हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई वाना प्रैक्टिस फॉर कंपटीशन, मैं प्रतियोगिताओं के लिए अभ्यास करना चाहता हूँ। आई वाना डू वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। I wanna dance with you, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहता हूँ। I wanna become a politician, मैं एक राजनेता बनना चाहता हूँ। I wanna start its work, मैं यह काम शुरू करना चाहता हूँ। So dear students, आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, मैं करना चाहता हूँ। यानी जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा है। आई वाना रीड, आई वाना फाइंड अ जॉब, आई वाना ऑर्डर सम फ्रूट्स, आई वाना मैरी हर, आई वाना प्रैक्टिस फॉर कंपटीशन, आई वाना डू वर्क विद यू, आई वाना डांस विद यू, आई वाना बिकम ए पॉलिटिशियन, I wanna start its work. So dear student, आपने देखा इन सारी चीजों को और समझा भी। अब हम बात करेंगे कुछ और आगे। अगर हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं, I wanna start a new business in Dubai. हम इस चीज को connector के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ और चीज sentence को बेहतर कर रहे हैं। मैं दुबई में एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। आई वाना बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, मैं सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वाना लर्न मोर लैंग्वेज, मैं और भाषाएं सीखना चाहता हूँ। आई वाना हेल्प देम, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया करना चाहता हूँ, लेकिन यदि इसी में ये कहा जाए कि मैं ये नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे, आई डोंट, डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, और फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसको आप बोलेंगे डोंट। क्या बोलेंगे, डोंट। मैं नौकरी की तलाश नहीं करना चाहता, आई डोंट वाना सर्च फॉर जॉब, मैं नौकरी की तलाश नहीं करना चाहता। आई डोंट वाना सर्च फॉर अ जॉब, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। आई डोंट वाना मैरी हर, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। आई डोंट वाना मैरी हर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इसमें क्या है, आई डोंट बोलिए या डोंट बोलिए चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज को बोल पाएंगे। मैं उस गाने को नहीं सुनना चाहता, आई डोंट वाना लिसन टू दैट सॉन्ग, आई डोंट वाना लिसन टू दैट सॉन्ग। I don't wanna order some food, मैं कुछ खाना नहीं चाहता। I don't wanna order some food. Dear students, आपने देखा कि इस चीज को वाना, want to को हम नेगेटिव में, नकारात्मक भाव में और सकारात्मक भाव में कैसे बोलते हैं। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे लेसन जारी रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम इजाजत चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।